बच्चे, कल क्लास में मैंने सर्वनाम के बारे में बताई हूँ और दो वेद, लेकिन बिना संज्ञा की जानकारी से हम सर्वनाम और इसका परिभाषा भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए आज मैं सर्वनाम के बारे में संज्ञा के बारे में बताऊंगी। और उसके पहले मैं और इसमें व्याकरणांश में वचन बदली और वचन बदले क्या है। व्याकरणांश में एक बात है, वचन बदलना, विलोम शब्द और लिंग बदलना, और इस तरह के जो शब्द होते हैं उसमें क्या क्या कैसे परिवर्तन होते हैं। वचन और उसका नंबर, एक वचन है तो बहुवचन, बहुवचन है तो एक वचन, और विलोम शब्द अपोजिट वर्ड्स, एंड लिंग बदलो, जेंडर को भी चेंज करना। और यहाँ पर आप देखें तो दर्दी की आंख के पाठ से कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं एक वचन में बहुवचन में कैसे कैसे चेंज होते हैं। और ये इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि भाषा की बात में आपको 20 मार्क्स में इस तरह के प्रश्न ही, व्याकरण अंश ही आपको मिलेगा। और प्रश्नोत्तर के रूप में वाक्य में देते हैं बात, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, और यहाँ पर बात अंडरलाइन है, इसको वचन बदलिए। और वचन बदलने का जो बात है, और यहाँ पर बात एक वचन है और इसके लिए वचन बदलना है तो बातें हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कुछ शब्दों के वचन दिए हैं। एक बार देखिए, वचन में बात, बातें, राजा, राजा, और एक राजा होने दो, एक से अधिक राजा होने दो, राजा ही कहते हैं। और सपना, सपने, राज्य, राज्य, और एक राज्य, दो राज्य, कलिंग और मगध, झांसी, ये राज्य है, और एक राज्य होने से भी राज्य कहते हैं, और एक से अधिक राज्य होने से भी राज्य कहते हैं, एक वचन में बहुवचन में सेम रहते हैं। और ये ऐसे शब्द कुछ रेयर होते हैं, और ऐसे शब्दों को आप याद रखना है। और बस्ती, बस्तिया, कठिनाई, कठिनाइया, क्षेत्र, क्षेत्र, और दरबार, दरबार, खेल, खेल, तारा, तारे, उपग्रह, उपग्रह, बच्चा, बच्चे, शिक्षक, शिक्षक, और ऐसे शब्द हमें व्याकरण के रूप में मिलते हैं। और व्याकरण के बाद और इसमें वचन के बाद और क्या होनी चाहिए, विलोम शब्द होनी चाहिए। और विलोम शब्द देखे तो ये आपको लिखना है, लिखिए, और इसके बाद वचन भी बदलना है, वचन बदलने के बाद विलोम भी लिखना है। पिल्लू अर्थमैतुन्ना ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మామూలుగా అయితే తెలుగు మీడియం నుంచి అయితే ఓకే, కాకపోతే మీకు కొంతమందికి గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారం 6th క్లాస్ నుంచి హిందీ కాబట్టి మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టంగా ఉంటుందని కొంచెం తెలుగు మిక్స్ చేయాలనుకుంటున్నాను, మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పింది. సో యహా పర్ కుచ్ శబ్ద హై, विलोम शब्द के लिए मैं कुछ देना चाहती हूँ। विलोम शब्द में पुरानी, और विलोम के लिए इंटू नई, पुरानी, नई, पुरानी ऐसा, और राजा, राजा का ज्यादातर विलोम शब्द बोले तो राजा रानी लिखते हैं, लेकिन राजा रानी गलत है, राजा रंग, रंग माने क्या है, दरिद्र, और गुणी, गुणी माने क्या है, अगुणी, और असफलता, और
सफलता। खुश। और ये शब्द कहाँ के हैं? अपने पार्ट से। खुश माने क्या है? नाराज। नाराज दिन, रात, दूर, पास, यश, अपयश। अपय मीन्स अपकीर्ति। इन तेलुगु यश मीन्स कीर्ति और अपकीर्ति अंटे अपयश। नेक्स्ट, कठिन, आसान, और इसी पार्ट से लेना है क्योंकि इस पार्ट के संबंध ही आपको ग्रामर में भाषा की बात में आ जाएगा। और आनंद, खेल, आनंद, खेल, बड़ी बड़ी, बड़ी, छोटी, सुबह, शाम, शाम माने इवनिंग, सुबह शाम, आशा, निराशा, धरती, आकाश। भला, बुरा, तेज, धीमी, धीमी स्लो, धीमी फास्ट, पुरानी, नई, राजा, रंग, गुणी, अगुणी, असफलता, सफलता, खुश, नाराज, दिन, रात, दूर, पास, यश, अपयश, कठिन, आसान, आनंद, खेल, बड़ी,
चोटी, सुबह श्याम, आशा निराशा, धरती आकाश, भला बुरा, तेज धीमी, शत्रु मित्र, सच झूठ। और इस तरह के शब्द इस पाठ से मिले हैं और इन शब्दों से आप भाषा की बात में आसानी से क्वेश्चंस के लिए ऑप्शंस देते हैं आंसर्स, और उन आंसर्स में आप सही आंसर को ले सकते हैं। और यह लिखना आपको जरूरी है, लिखिए। अक्षरों के दोष नहीं रहना चाहिए और सुंदर लिखावट में आपको लिखना है और सुंदर लिखावट की आदत होनी चाहिए आपको, इसलिए ध्यान से लिखिए। और लिंक देखिए, लिंक में राजा आइपन होना चाहिए, आइपन को क्या कहते हैं हिंदी में, योजक, राजा रानी, राजा रानी, शिक्षक शिक्षिका, और यहाँ पर और कुछ नहीं है, और ये दो बस है इस पार्ट से। आपको नेक्स्ट में आपको पहले सर्वनाम के बारे में जानकारी होना है, तो संज्ञा के बारे में मालूम होना, संज्ञा। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह, किसी भाव के, भाव का जो शब्द होते हैं, नाम के बारे में बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और पेज नंबर 16 में आपको व्याकरण में भाषा की बात में एक पैराग्राफ दिया, और उस पैराग्राफ में कुछ नाम पर कुछ अधिक ध्यान दिया गया, रानी, गांव, वीर, पशु, हरियाली और दूध। शब्द कौन से शब्द है? संज्ञा शब्द है। और संज्ञा माने क्या है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने वेद हैं? संज्ञा के 5 वेद है। संज्ञा के कितने वेद है? 5 वेद है। और हम देखते हैं, और किसी एक वाक्य में संज्ञा को पहचानो, ऐसे प्रश्न रहते थे, लेकिन 8वीं कक्षा में आए आप, इसलिए संज्ञा के जो वेद है और एक वाक्य में रेखांकित करते हैं, लेकिन वह शब्द कौन सा संज्ञा है, किस संज्ञा में है वह शब्द। और यहां पर देखिए, लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, और यहां पर लड़का कौन सा संज्ञा है, क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं, लेकिन लड़का बोले तो नाम नहीं है ना, और संज्ञा क्या है इसमें, ऐसे हमें डाउट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर लड़का का भी एक संज्ञा का नाम दिया, जातिवाचक संज्ञा, इसलिए हमें यहाँ पर 5 वेद दिए, और 5 वेदों में एक एक वेद के बारे में डेफिनेशन ले लेंगे। और यहाँ पर देखो, जातिवाचक संज्ञा में 5 है ना, और उसमें पहला क्या है? जातिवाचक संज्ञा, पहले जातिवाचक है, और जातिवाचक में
डेफिनेशन क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जिस संज्ञा शब्द से और किसी नाम से संपूर्ण जाति का, संपूर्ण जाति और यहाँ पर क्या है, लड़का एक जाति का एक रूप है, जानवर एक जाति है, पशु एक जाति है, मानव एक जाति है। इस प्रकार किसी संपूर्ण जाति का बोध हमें एक शब्द में मिलता है और उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और यहाँ पर देखिए उदाहरण 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 में लड़का खेलता, लड़का खेलता, और यहाँ पर लड़का कैसा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा में है। किस संज्ञा में है? क्योंकि लड़का माने क्या है, छोटा लड़का होने दो, बड़ा लड़का होने दो, और लड़का है और एक जाति है, लड़की एक जाति है, आदमी एक जाति है, जानवर एक जाति है, पशु एक जाति है। ऐसे तरह तरह के जो लोग होते हैं और वो लोग संपूर्ण जाति जाति का होते हैं और उसके बारे में जो शब्द होते हैं और उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। और यहाँ पर लड़का खेलता है, लड़का बोले तो और उस लड़का का नाम कुछ नहीं है, यहाँ पर लड़का का कुछ नाम नहीं है, लड़का बस, वो छोटा होने दो, बड़ा होने दो, ऐसे भी होने दो, लेकिन लड़का है और एक संपूर्ण जाति का जो यहाँ पर भाव प्रकट हुआ है इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और सेकंड वन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक में और ये क्या है, कॉमन नाउन, और ये क्या है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन में किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले शब्द, किसी वस्तु व्यक्ति और किसी वस्तु व्यक्ति प्राणी स्थान और खासकर विशेष व्यक्ति, एक व्यक्ति के बारे में बताए, एक व्यक्ति के बारे में बताओ उस व्यक्ति का नाम क्या है, विशेष विशेष तरह से उस व्यक्ति का नाम क्या है, हा? और यह एक वस्तु है और ये सब वस्तु कई तरह के होते हैं, कई तरह के वस्तु होते हैं और उसमें विशेष तरह से उस वस्तु का नाम क्या है। और यहाँ प्राणी, जग में हर प्राणी है और उस इस जग में खासकर विशेष रूप से जो प्राणी का नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और स्थान, स्थान कई के होते हैं, शहर में होते हैं और गांव में होते हैं और कहीं जगह, स्थान बोले तो हर एक की एक के लिए एक जगह का नाम होता है और उस जगह का जो खासकर विशेष रूप से स्पेशल नाम से जो शब्द बोलते हैं उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसमें यहाँ देखिए यह एक वस्तु है, यह एक वस्तु है लेकिन इसके लिए एक वस्तु का नाम है, क्या है, पुस्तक, यह एक पुस्तक है और इस वस्तु के लिए नाम दिया गया और इसलिए पुस्तक ऐसा विशेष नाम है इसके लिए, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ यह भी एक वस्तु है और इसका नाम है चौपिस, चौपिस प्रॉपर प्रॉपर नेम है और वस्तु के लिए इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और प्राणी, एक प्राणी आया, वो मानव होने दो, जानवर होने दो, पशु होने दो, एक प्राणी आया, प्राण जिसका है और वो प्राणी कहलाते हैं और प्राणी है और वो प्राणी कौन सा प्राणी है,
कौन कौन से प्राणी है? और कुत्ता है, जानवर है, तोता है, सांप है, मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, और प्राणी और इसका जो नाम होता है, विशेष रूप से नाम होता है और उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उसी प्रकार स्थान, कई तरह के होते हैं स्थान, और स्थान के बारे में खासकर प्लेस, प्लेस के बारे में खासकर नाम होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और स्थान बिचपल्ली, निजामाबाद, महबूब नगर, कलकत्ता, ऐसा प्रत्येक पेरुनु చెప్పబడాలి. ప్లేస్ అని కాదు ఆ ప్లేస్ పేరు చెప్పబడాలి. వస్తు అని కాదు ఆ వస్తు పేరు చెప్పబడాలి. వ్యక్తి కాదు వ్యక్తి యొక్క పేరు చెప్పాలి. ప్రాణి అంటే ప్రాణి కాదు ఆ ప్రాణి, ప్రత్యేకమైన పేర్లు ఉంటాయి, ఆ పేరు చెప్తే అలాంటి దాన్ని అందరు వ్యక్తి వచ్చ సంజ్ఞని చెప్పచ్చు. ఆకు యాదే వ్యక్తివాచక సంజ్ఞా మే రామ్, రాము, కేతా, रामो खेलता। और यहाँ पर लड़का खेलता ने दिया, लेकिन यहाँ पर नाम दिया, एक व्यक्ति का विशेष नाम दिया, इसलिए यह क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक में क्या है? फीलिंग्स, जिन शब्दों से किसी गुण, स्वभाव, दशा का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से, किन शब्दों से, किस शब्दों से हमें किसी व्यक्ति का स्वभाव मालूम होता है, और किसी वस्तु के बारे में हमें गुण मालूम होता है, और किसी व्यक्ति के बारे में हमें दशा का बोध होता है, उन उस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जैसे सुख दुख, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते। और यहां पर आपको सुख दुख क्या है? फीलिंग्स, ये दिखता है क्या? बाहर दिखते हैं? नहीं दिखते, क्योंकि सुख दुख, और एक व्यक्ति आया और वह दुख से है, और उसका फीलिंग्स जो कहाँ दिखता है हमें? मुंह पर दिखता है। और कुछ बहुत सुख है और वो हालत कैसी है? सुख से है या दुख से है, और या क्रोध से है या चिंता से है या नाराज से है, और वो भाव हमें कैसे मिलते हैं देखने के लिए? मुंह से। और उसके जो व्यक्तित्व होता है, स्वभाव होता है, और उस स्वभाव को कटु स्वभाव है और नहीं तो सॉफ्ट मेंटालिटी है, और उसके एटीट्यूड जो है, क्रोधी होने दो और नादान होने दो, हाँ, दयालु होने दो, कोई कुछ भी होने दो, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है और उसके बारे में और उनके गुण के बारे में बताने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और किसी एक व्यक्ति को देखकर हम और उसके बारे में सोचे तो उसके क्या स्वभाव है हमें पता लगता है, और उसका उनके गुण क्या है हमें मालूम हो जाते हैं। ऐसे जो गुण है और ऐसे जो फीलिंग्स है उसके बारे में बताने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और कोई व्यक्ति सुख से रहता है और उसके मुंह पर हंसी दिखाई देती है, लेकिन और कोई दुख है और उसके मुंह पर हंसी नहीं दिखता और कुछ नाराज दिखता है और चिंता से दिखता है। इसलिए जो फीलिंग्स होते हैं और बाहर नहीं दिखा सकते, लेकिन अपने मन से जो भाव निकलता है और उन भावों के संबंधी जो शब्द आते हैं उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। మనసులో ఏవైనా ఫీలింగ్స్ ఒక వ్యక్తి గురించి గుణాలని బట్టి కానీ, స్వభావాన్ని బట్టి కానీ, వాళ్ళ పరిస్థితిని బట్టి కానీ తెలిపే పదాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని భావవాచక సంజ్ఞాన్ని పిలుస్తారు. అయితే ఒక వ్యక్తి యొక్క గుణాన్ని కానీ తెలిపేదాన్ని, అంటే మామూలుగా అతను కోప్పడేవాడా, లేకపోతే దయ కలిగిన వాడా, లేకపోతే అతను హ్యాపీగా ఉన్నాడా, దుఃఖంగా ఉన్నాడా, ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ అవన్నీ మనకు బయటకి కనబడవు. కానీ
ఆ ఫీలింగ్స్ అనేవి వాళ్ళ ముఖంలో ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ మనకు క్లియర్ గా కనబడతాయి ఒక మనిషి స్వభావం గురించి కూడా మనం ఒక వ్యక్తిని చూసినప్పుడు అలాంటి వాడు ఇలాంటి వాడు అని గెస్ చేస్తూ ఉంటాం మామూలుగా అతని పనులను బట్టి మనం గెస్ చేస్తుంటాం ఏ లేదు తను చాలా మంచివాడనో లేకపోతే తను చెడ్డవాడనో అవన్నీ కనబడతాయా మనకి లేదు మనం చేసే ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ని బట్టి మనం చేసే పనులను బట్టి అవి బయటకు వస్తూ ఉంటాయి అవి మనకు బయటికి కనిపించవు కనిపించవు కానీ వాటి యొక్క ఫీలింగ్స్ ని మనము తెలుసుకోవచ్చు వాటితో వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళతో గడిపినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్స్ మనలో కలుగుతాయి మంచి చెడు ఇది చెడ్డది ఇది మంచిది అనేసి తెలుస్తాయి అప్పుడు అలాంటి వచ్చిన ఒక ఫీల్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని భావోద్వేగ సంజ్ఞని చెప్పొచ్చు దీన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అని చెప్తారు ఇంగ్లీష్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ నెక్స్ట్ వన్ సముదాయ వాచక సముదాయ వాచక సముదాయ వాచకులో మనకేమన్నాడు ऐसे शब्द जो किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराते हैं वे समुदाय वाचक संज्ञा कहलाते हैं ऐसे शब्द कैसे शब्द किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराते हैं समुदाय माने क्या है ग्रुप समूह माने क्या है ग्रुप और किसी ग्रुप के बारे में हमें जो कुछ शब्द बताए जाते हैं और उन शब्दों को कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा और समुदायवाचक या उदाहरण क्या दिया सेना 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 माने क्या है सैनिक कई सैनिक है वहां पर और उसे क्या कहते हैं सेना कहते हैं सेना देश की रक्षा करती और यहाँ पर आपको सेना समुदाय वाचक संज्ञा कैसे सेना माने क्या है अनेक सैनिकों को एक समुदाय में देखे और उस समुदाय को कहते हैं समुदाय वाचक संज्ञा और यहाँ पर सेना माने क्या है अनेक सैनिक वहां पर खड़े हुए हैं और वो सब सैनिकों को मिला के हम क्या कहते हैं सेना कहते हैं उदाहरण के लिए पाठशाला में एक 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 से अधिक विद्यार्थी एक ही जगह पर ऐसे जमा हो जाते हैं तब हम कहते हैं विद्यार्थिया ओके छोटा अब ये गुंप का पशु गुंप का जंतु गुंप का मनुष्य गुंप का रकम జాతి కి చెందిన వాళ్ళందరూ ఒకే చోట కలెక్ట్ అయ్యి ఉండడం వల్ల అప్పుడు మనం దానికి ఒక పేరు పెడతాం అప్పుడు మనం ఏమంటాం దానికి ఒక పేరు పెడతాం సైనికులందరూ ఒక చోట నిలబడి ఉన్నారు అప్పుడు మనం చెప్తాం సైన్యం అంటాం సైనికులంతా ఒక చోట నిలబడి ఉన్నారు సైనికులు అంటాం విద్యార్థులందరూ ఒక చోట నిలబడినారు విద్యార్థి అంటామా విద్యార్థులు అంటాం అంటే అది అక్కడ గుంపు అన్నమాట అర్థమైందా అలా గుంపు గుంపుగా ఎక్కడైతే కనబడ్డప్పుడు దానికి అంటూ మనం ఒక పేరు పెడతాం అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు సముదాయ వాచక సంజ్ఞ అంటారు ఇప్పుడు విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు పుస్తకాలు భవనము ఇవన్నీ చూడగానే అన్ని ఒక చోట కనబడ్డప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం దాన్ని పాఠశాల అంటాం అట్లా అన్ని రకాలుగా ఒకే దగ్గర మనకు కనిపించినప్పుడు దానికంటూ ఒక పేరు పెట్టడం జరుగుతుంది అలాంటి పేర్లను మనము సేన అంటాం ఒక బస్ స్టాప్కి వెళ్ళాము బస్ స్టాప్ వెళ్ళిన తర్వాత రకరకాల మనుషులు బస్సెస్ అన్ని కనబడుతూ ఉంటాయి మనం ఒకటే మాట చెప్పేస్తాం ఏమని బస్ స్టాండ్ అంటాం అంటే ఏంటి అక్కడ గుంపు గుంపుగా అన్ని రకాలుగా అక్కడ ప్రయాణికులు కానివ్వండి వాళ్ళు అందరూ ఒకే చోట జమ అయ్యి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని కలిపి మనం ఏమంటాం వాళ్ళు ఉన్న ప్లేస్ ఏమంటాం బస్ స్టాండ్ అంటాం అట్లా ఇక్కడ సేన దేశకి రక్ష కర్తీ హే సైన్యము దేశాన్ని రక్షిస్తుంది అని చెప్పొచ్చు ఇది ఇక్కడ ఫిఫ్త్ వన్ ఇదేమంటారు కలెక్టివ్ నౌన్ అంటారు ఏమంటారు కలెక్టివ్ నౌన్ నెక్స్ట్ ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ ద్రవ్యవాచక और यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा में स्वच्छ जल पीना चाहिए स्वच्छ जल
जल एना जंगल इकड़ा इकड़ जल अने द्रव्यवाचक अट्ना द्रव्यवाचक द्रव्य या विभिन्न धातुओं का बोध कराते हैं द्रवम का सॉलिड लिक्विड गैस అలాంటి వాట్ అవన్నీ కూడా ఒక కొన్ని సెల్స్ తో తయారై కొన్ని మెటీరియల్ తో తయారైన వస్తువులు ఉంటాయి ఆ వస్తువులన్నిటిని మనం ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞలోకి తీసుకోవచ్చు ఎలా అంటే మామూలుగా జల అనేది అది ఒక ద్రవం ఒక లిక్విడ్ దాంట్లో కొన్ని మెటీరియల్స్ కలిస్తేనే ఈ జల్ తయారైంది కాబట్టి ఇది మనకు మెటీరియల్ నౌన్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్ ఏమంటారు ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ మీన్స్ మెటీరియల్ నౌన్ और यहाँ पर स्वच्छ जल पीना है मन को शुद्ध स्वच्छम नीलू तागाली अट्ना अटे इकड़ी अन्नी सेल्स कल अटे रकर मेटीरियल्स तो पदार्थ फाम अ दाने द्रव्यवाचक संज्ञ पीछे अला तैयार वस्तु मन द्रव्यवाचक संज्ञा की चपच्छ अमूल सोना चांदी और ये मटेरियल है एक तरह की मटेरियल है और उन मटेरियलों के जो नाम होते हैं और उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञ। बच्चे आज पांच वेद के बारे में पढ़े हैं और क्यों मैं इस संज्ञा के बारे में बताई हूँ क्योंकि संज्ञा के बारे में जानकारी आपको है तो सर्वनाम ठीक तरह से समझ सकते हैं इसलिए संज्ञा के बारे में बताई हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न है 16th पेज में नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो इसमें आए संज्ञा शब्द ढूंढो रेखांकित करो रानी पढ़ती है रानी क्या है रानी कौन सा है रानी प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा रानी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा बालक खा रहा है बालक वाले बोले तो पर सब बालक है लेकिन बालक का जो नाम नहीं है इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा हरियाली अच्छी होती है हरियाली ग्रीनरी अच्छी होती है हरियाली को देखकर हमें बहुत आनंद मिलता है इसलिए हरियाली माने क्या है ग्रीनरी और ग्रीनरी को देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। और यहाँ पर हरियाली दिखता है फिर भी इसे देखकर हम खुशी का अनुभव करते हैं इसलिए हरियाली संज्ञा है कौन सा संज्ञा है भाववाचक संज्ञा है। बच्चे यहाँ पर आपको ये परिभाषा लिखना है डेफिनेशन लिखना है यहाँ से किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान अथवा भाव का बोध कराते हैं ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के पांच भेद है वे है जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा समुदायवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा और ये है कलेक्टिव नाउन सॉरी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन कलेक्टिव नाउन मेटीरियल नाउन और इसके बारे में आपको पढ़ना है उदाहरण के साथ और ये भी आपको और थोड़ा ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे और संज्ञा के बारे में भी पूर्ण ज्ञान की जानकारी कल करेंगे और ये होने के बाद सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे जब तक रहेंगे।